चार्ल शोभराज को बिकनी किलर क्यों कहा जाता था वो पूरा कहानी क्या था कैसे वो बिकनी किलर बना देखिए चार्ल सोभराज जो है उसकी अगर आप पर्सनैलिटी देखते हुँ. इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उसकी अंग्रेजी फराटे से बोलता था हिंदी भी समझ सकता था और जिस तरीके से सूटिड बुटिड वो रहता था तो वो एक अलग ही उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें झलकती थी ये इसका जो मेन ये इसके जो क्राइम का फील्ड था वो था गोवा ओके okay. गोवा में आ, मैंने वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी गोवा में क्या होता था कि वहाँ पे जैसे विदेशी लड़कियाँ आती थी तो ये उनसे दोस्ती करता था पहले लड़कियों से जो अकेली आती थी उनसे दोस्ती करता था दोस्ती करके उसके बाद ये उनको डिनर पे बुलाता था अच्छा डिनर पे बुला के उनकी उनको कोई ऐसी नशीली चीज़ खिला देता था और ये उसका मिसयूज करता था रेप करता था रेप करने के बाद ये क्या करता था उनको लूट लेता था और कई बार तो जो है वहाँ पे अर्ध नंगी लाशें वगैरह उसकी गोवा की बीच वगैरह भी मिली जैसा कमिश्नर बता रहे थे तो बाद में पता लगा कि चार्ल्स सोबराज है पहले उनसे फ्रेंडशिप करता है फिर उनको नशीली कोई चीज़ खिलाता है फिर उनको लूट लेता है और अगर वो इसके कब्जे में नहीं आती तो मार भी देता है तो इसलिए इसको बिकनी क्लर्क कहते थे अच्छा बहुत सारे क्राइम्स में बहुत सारे क्राइम में ये इन्वॉल्व था